प्रदेश के महोबा जनपद में एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिपिक द्वारा रुके वेतन को निकलवाने के एवज में ग्राम पंचायत अधिकारी से रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी ग्राम पंचायत अधिकारी ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर लिपिक को शहर के एक नामी होटल से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के हेड एंड पंप होटल से एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा को रंगे हाथों 15,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लिपिक वैभव मिश्रा द्वारा विभाग में ही काम करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी से अपने 2 माह के रुके वेतन निकलवाने की एवज में 15,000 की मांग की गई थी। ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी ने इस मामले में एंटी करप्शन लखनऊ में रिश्वत की मांग की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर लखनऊ की एंटी करप्शन की 11 सदस्यीय टीम पिछले 1 सप्ताह से महोबा में डेरा डाले और रिश्वतखोर लिपिक की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। रिश्वत की मांग की बात पुख्ता होने के पर एंटी करप्शन टीम महोबा के 100 फॉर्म होटल पहुंची, जहां वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी से 15,000 की नकदी ले रहा था। ठीक उसी वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ आई टीम ने लिपिक वैभव मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम द्वारा शहर कोतवाली में रिश्वतखोर लिपिक के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी को लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी आप लोग टीम कितने दिनों से अभियान तो एक तारीख से लगे थे, शिकायती प्रार्थना पत्र 1 तारीख को मिला था डीआई साहब को हमारे यहाँ एंटी करप्शन में। वहाँ से जो है पहले जांच कर ली गया, गोपनीय जांच होती है, जब जब प्रूफ नहीं होता तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। किस जगह से गिरफ्तारी की गई? जी ये एक महोबा होटल है, 100 पाम, वहाँ डाइनिंग हॉल में ये चाय अपने पीने के लिए गए थे और वहीं उन्होंने डिमांड किया और वही अपने कार्रवाई की गई। और कहाँ लेकर जाया जा रहा है? नहीं, यही कोतवाली में ही कार्रवाई होगी, लिखा पड़ी होगी और इनका रिमांड जो है लखनऊ संबंधित न्यायालय में पेश होगा कोर्ट नंबर 9 में, और रिमांड के बाद इनके जो है जो भी साक्ष्य एकत्र होंगे उसके बाद जो है आरोप पत्र न्यायालय पेश किया जाएगा। कितने सदस्य टीम है सर आपके साथ? हमारे सदस्य करीब 9-10 लोग हैं, इंस्पेक्टर साहबान हैं 5 लोग और मुख्य आरक्षी आरक्षी भी हैं। सर नाम क्या? लक्ष्मीनारायण यादव, निरीक्षक हूँ मैं, TF प्रभारी भी हूँ टास्क फोर्स का। थैंक यू।